देखिए कल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। जी हां, इस बीच एग्जिट पोल को लेकर राजनीतिक गलियारे में शोर मचा हुआ है। अलग अलग संस्थानों और मीडिया हाउस के सर्वे में बीजेपी तीसरी बार आसानी से सत्ता तक पहुंच रही है। 300 से 350 तक औसतन सीटें आने की उम्मीदें की जा रही है। वहीं बहुमत के 272 वाली जादुई आंकड़े के 380 सीट अधिक आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इधर झारखंड में एनडीए को 4 से 6 सीट तक का अनुमान नुकसान अलग अलग एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन की धड़कनें एग्जिट पोल ने बढ़ा दी है। इस बीच मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल सुबह 8 बजे से ही मतों की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। नियमित अंतराल पर हर राउंड के नतीजे की घोषणा होनी है। शाम 4 बजे तक सभी सीटों पर नतीजा सामने आ जाएगा। मतदान के बाद सभी ईवीएम स्क्रूटनी के बाद पहले ही स्ट्रांग रूम में सील कर दी गई है। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। मतगणना को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। रांची के पंडरा स्थित मतगणना स्थल पर 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर ली गई है। वहीं पूरे शहर में राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय सहित प्रमुख चौक चौराहे पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही 3 आईपीएस स्तर के अधिकारी, 2 डीएसपी और 6 के करीब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को भी इस प्रतिनियुक्ति की गई है। 2 घेरे की सुरक्षा का जिम्मा लिया गया है और बल और 1 घेरा जैप के जिम्मे रहेगा। वहीं 4था घेरा मतगणना स्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जवानों की होगी। वहीं मतगणना केंद्र के आसपास और शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। शहर में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक पंडरा इलाके में भारी वाहनों की नो एंट्री होगी। झारखंड के सभी 14 संसदीय सीटों पर कुल 244 सियासी योद्धा चुनाव मैदान में थे। इनमें से 212 पुरुष जबकि 31 महिला उम्मीदवार शामिल है। पहली बार 1 ट्रांसजेंडर भी इस चुनाव मैदान में है। तो आपको बता दें कि कल यहाँ काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए कल सुबह से ही 8 बजे से कहा जा रहा है कि काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और भारी वाहनों की भी नो एंट्री जो है एक तरह से यहां पर देखी जाएगी। लेकिन अगर आप दीपक बात करें कितने राउंड में जो है ये काउंटिंग शुरू होगी, पूरी जानकारी क्या दर्शकों को बताएं आप? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ही तमाम प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ गई है और सभी का इंतजार जो है वो 4 जून का है, जब 4 जून को मतगणना प्रारंभ होगी। तो सबकी निगाहें मतगणना पर ही जो है वो टिकी हुई है और जिस तरीके से एग्जिट पोल जो जारी हुआ है उसमें एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है, एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। तो वहीं इंडी गठबंधन जो है वो इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर जो है एग्जिट पोल का इंतजार कर रही है। और हम इस वक्त मौजूद है रांची के पंडरा कृषि बाजार स्थित जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहाँ पर सुरक्षा का जो है वो व्यापक तौर पे जो है तैयारी की गई है। 4 लेयर में सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा से भी निगरानी रखी जा रही है और कल 8 बजे यहाँ पे मतगणना शुरू होगा। लेकिन मतगणना से पहले जो रिटर्निंग अफसर जो मतगणना में मौजूद होंगे उन्हें वोटों की गोपनीयता दिलाई जाएगी। वोटों की जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित गोपनीयता का जो है वो कह सकते हैं कि उसे शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद जो 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 9:30 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे रुझान आएगा जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी धड़कनें और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब देखना होगा कि जब मतगणना शुरू होती है और जो रुझान आता है उसमें क्या कुछ आगे पीछे जो प्रत्याशियों का जो है वो देखने को मिलता है। तो वो तमाम चीज़ें जो है कल जब मतगणना का रुझान आएगा वो तभी सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से पंडरा कृषि बाजार में जो सुरक्षा को लिहाज से जो व्यवस्था की गई है, जैसा हमने कहा भी कि 4 लेयर में सुरक्षा यहाँ पे घेरा बनाया गया है, सीसीटीवी कैमरा से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा भी ट्रैफिक रूट्स पर भी यहाँ पे बदलाव किया गया है। भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है क्योंकि जब यहाँ पे काउंटिंग होगा तो तमाम दल के जो कार्यकर्ता है वो भी पहुँचने लगेंगे, जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है उनके समर्थक पहुँचने लगेंगे तो कहीं ना कहीं जमावड़ा होगा। और ऐसी परिस्थिति में जो रातू रोड से लेकर के जो कह सकते हैं कि
पंडरा कृषि बाजार वाला जो मुख्य सड़क है वहां पर जाम की स्थिति बनेगी और इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जो है ट्रैफिक रूट पे बदलाव किया गया है। भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। इसके अलावा भी राजधानी रांची के अलग अलग हिस्सों में जो है बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस तैनात होंगे। खासतौर पर अगर यहाँ की बात करें स्ट्रॉन्ग रूम के इर्द गिर्द तो यहाँ पे पंडरा कृषि बाजार के जो क्षेत्र है जहाँ पे काउंटिंग होना है यहाँ पे 700 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा भी तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है। पेयजल की व्यवस्था की गई है चूँकि बड़ी संख्या में लोग भी पहुँचेंगे, लेकिन खास तौर पे जो बाहर का जो गेट देख रहे हैं जो फर्स्ट लेयर का जो सुरक्षा घेरा है इससे अंदर किसी को भी अंदर आने की प्रवेश की इजाज़त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी के द्वारा जो काउंटिंग एजेंट जो प्रतिनियुक्त की जाती है वही जो है वो अंदर तक प्रवेश करेंगे। काउंटिंग जहाँ पे होगी वहाँ तक रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से और तमाम तरह की व्यवस्था की गई है खास तौर पे काउंटिंग को लेकर के। और जिस तरीके से काउंटिंग यहाँ पे प्रारंभ होगी कई चरणों पे जो है राउंड पर जो है वो मतगणना होगी और जैसे जैसे रुझान आएगा प्रत्याशियों की धड़कनें तेज होगी। और जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है अभी से थोड़ी देर बाद 11 बजे जो है वो सिटी एसपी और सीनियर एसपी भी यहाँ पे पहुँचेंगे और जो तमाम व्यवस्था की गई है खासतौर पे सुरक्षा के लिहाज से तो उसका भी जायजा लेंगे। तो लगातार जो है जिस दिन से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम में जो मतदान हुआ है और उस मतदान पेट को जो यहाँ पे रखा गया है उसकी देख रेख को लेकर के यहाँ पे बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो तैनात किए गए हैं और बल बल की जो जायजा है वो जिला प्रशासन के द्वारा ली जा रही है और पैनी नज़र रखी जा रही है क्योंकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका विशेष तौर पे कहीं ना कहीं ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक, तो देखिए तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है लोकसभा चुनाव के में। मतदान के बाद मतगणना की पूरी तैयारियां हो गई और आपके जरिए भी हमने देखा कि तैयारियां जो है वो खास यहां पर चार लेयर में की गई है और कई राउंड में काउंटिंग भी होगी। चलिए नजर बनाए रखिएगा दीपक, जैसे ही ताजा जानकारी कुछ आएगी आपका रुख करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।